केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और डिप्टी सीएम बृजेश पाठक अमेठी पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान राघव राम सेवा संस्थान के कंबल वितरण कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 8,000 लोगों को कंबल बांटे गए। ये क्षेत्र साक्षी है, ज्यादा योगदान प्रखंड नेताओं में से हैं जिन्होंने तब संघर्ष किया जब भारतीय जनता पार्टी का कार्य करना, संघ का स्वयं सेवक होना अपने आप में जोखिम का काम कहलाया जाता है। बल्कि आज हम साक्षी हैं कि दादा मेघवान जैसे, रामप्रसाद जी जैसे जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वर्षों तक गांधी खानदान के खिलाफ इस धरा पर संघर्ष किया, ये सही मायने में जो आज हमारे मध्य में नहीं है उनको आपकी श्रद्धांजलि है, और जो आज अपने आशीर्वाद के साथ दादा की तरह यहाँ उपस्थित है उनको आपकी ओर से ये सबसे बड़ी सौगात है। ये छाता जो आज प्रदान किया है भले ही देखने में एक व्यक्ति के लिए है, लेकिन स्वाभाविक रूप से पूरे अमेठी के एक एक जनता के सिर पर उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर जो छाता लगाने का काम किया है, अमेठी की एक एक जनता दीदी के साथ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दीदी जात धर्म समुदाय से ऊपर उठकर हमने अपनी अल्पसंख्यक पहलों को भी आपके सामने देखा, हमने सर्व समाज के नौजवान भाइयों को देखा है, सब दीदी का आशीर्वाद लेकर के जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने अमेठी की सरजमी पर कई दशकों तक राज किया है, आप तुलनात्मक रूप से आप जाकर के देखेंगे, अमेठी के अंदर जाकर के ग्राम प्रधान का कार्यालय देखेंगे तो डीएम कार्यालय से बेहतर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है।